सोलन में जन एकता मंच द्वारा जन अधिकार आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें जनवादी संगठनों, किसान, महिलाओं, छात्र, युवाओं और मजदूरों ने मिलकर शहर में पुराने बस स्टैंड से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर शहरवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार आम जनता के साथ खड़े होने का दिखावा करती आ रही है, लेकिन वास्तव में वह पूंजीपतियों के साथ मिलकर नव उदारवादी नीतियों को ज्यादा आक्रामकता के साथ देश में लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए के ऋण माफ किए जा रहे हैं और देश का किसान चंद रुपए के कर्ज के लिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। वहीं इस मौके पर AITUC के कार्यकारी अध्यक्ष शशि पंडित ने कहा कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई कम करने को जो सब्ज बाग भाजपा सरकार ने भारत की जनता को दिखाए थे, वे पूरे नहीं किए गए हैं। आज का ये जो विरोध दिवस है, ये जन एकता और जन अधिकार आंदोलन की तरफ से मनाया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए और शिक्षा का जो निजीकरण है उसे समाप्त करके रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाए, ताकि आने वाली भविष्य की पीढ़ी को शिक्षा सस्ती मिले और उनको रोजगार का अवसर मिले, ताकि समाज में शांति बनी रहे, समाज में सबको जीने का हक मिले। ये इन्हीं मुद्दों को लेकर आज का ये प्रदर्शन है।